अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। दोस्ती, हाँ? तुमने एक बात नोटिस की? क्या? शादी के बाद आज पहली बार ये मौका आया है। मैं भी बहुत खुश हूँ। सच? सच? पहली बार इस घर के सब लोग साथ में मिलकर बाहर जाएंगे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अरे बुद्धू, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहली बार हम दोनों इस घर में बिल्कुल अकेले हैं, सिर्फ मैं और तुम, तेज और टोस्टी और कोई नहीं। तो तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, स्टनिंग। ये साड़ी, ये चूड़ियां, तुम्हारे झुमके, तुम पे बहुत अच्छे लग रहे। हम दोनों शादीशुदा हैं यार। तो एक छोटा सा स्मॉल क्या 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 देखो दोस्ती, ये जो तुम बेवकूफ बन रही हो ना, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम बेवकूफ नहीं हो, इसलिए नौटंकी बंद करो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम सब समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ। अरे जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें क्या चाहिए? बोलो क्या? इधर आ, कान में बताता हूँ। ड्राइवर कहाँ है? बुलाओ उसको। ओ ड्राइवर साहब, इधर आओ। ड्राइवर हो? जी अभी तक मैं ही हूँ। लाल त्रिकोण और दो बच्चे, मतलब? बोलो। तुम क्यों हंस रही हो? दादाजी, ये तो फैमिली प्लानिंग का साइन है, हम दो हमारे दो। आप इस ड्राइवर से क्या पूछ रहे हैं? मैं ट्रैफिक सिग्नल के बारे में पूछ रहा हूँ। बोलो भाई। मतलब आगे स्कूल है? करेक्ट। हाँ, और गति रोधक पुड़े आए, मतलब? मतलब आगे स्पीड ब्रेक करा है। करेक्ट। नहीं नहीं नहीं, अभी बाकी है बहुत कुछ। हाँ, गाड़ी का मॉडल कौन सा है? 2005। मालिक का नाम? रंजीत भाई। इंश्योरेंस है? बड़ोबड़ है। लाइसेंस बताओ। ओए, भाई साहब क्या कर रहे हो? अरे मतलब साफ है भाई साहब, मैं 15 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, इनके सारे सवालों का जवाब बस यही है। अच्छा भाई साहब एक बात बताइए, अंकल ट्रैफिक हवलदार थे क्या? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि रिटायरमेंट के बाद वो थोड़ी सी आदत रह जाती है, सो जाती नहीं। अरे नहीं नहीं, वापस दे दो, वापस दे दो। चलो चलो सब लोग गाड़ी में बैठो। तेज, मुझे बाकी कमरों के भी नल लाइट्स वगैरह चेक करने मुझे जाने। बाकी कमरों के नल लाइट्स पंखे वगैरह सबके भाड़ में, इतना अच्छा मौका मिला है हमें दोस्ती, और तुम्हें नल और फैंस की पड़ी है। हाउ डिस्गस्टिंग। कम ऑन दोस्ती, जस्ट वंस, छोटा सा, प्लीज प्लीज। तेज, मैं टाइम और जगह नहीं सोचती है। प्यार करने वाले टाइम और जगह नहीं देखते, सिर्फ मौका देखते हैं, मौका। कम ऑन दोस्ती, ये मौका हाथ से मत जाने दो, टाइम बहुत कम है, क्विक चलते चलते। और वो जो सब बाहर हमारा वेट कर रहे हैं, उनका क्या करेंगे? करने दो, करने दो उन्हें वेट, समझ जाएंगे। तेज, हाँ
अशोक जी, गाड़ी के चारों टायर तू चेक कर ले, देख ले हवा बराबर है कि नहीं। अरे पर दादाजी मैं क्या जानू, मुझे कैसे पता चलेगा किस टायर में हवा ज्यादा है किस टायर में कम है। आ, बड़े भैया को सबकी हवा निकाल नहीं आती है, चेक करनी नहीं। ज्यादा बकवास मत कर समझा, वरना एक पड़ेगी उल्टे हाथ की। समधी जी, आप तो खुद गाड़ी चलाते हैं ना? हाँ हाँ, मेरे पास तो दो दो। तो जरा देखिए ना, चेक कर दीजिए टायर। हाँ, क्यों नहीं। तो रहने दे। प्राचीन जी, गाड़ी में जा और देख कहीं चूहे भुए तो नहीं है अंदर। हाँ, हम गाड़ी के पैसे देते हैं, चूहों के नहीं। और सुन, अंदर खिड़कियां वगैरह ठीक है कि नहीं देख ले, बंद होती है कि नहीं देख। बाबूजी आप साफ साफ बताएंगे कि क्या बात क्या है? ए, वो क्या नाम, जगजीवन राम, याद है ना 20 नंबर वाला? वो भी अपने पूरे परिवार के साथ पिकनिक मनाने जा रहा था, चेक किया नहीं और रास्ते में टायर फट गया। पूरे पूरे सब लोग, फैमिली पूरी। अरे बाबूजी आप शुभ शुभ बोलिए ना, आप तो डरा रहे हैं हमें। नहीं नहीं नहीं, इसमें डरने की कोई बात नहीं आंटी। दादाजी ना रोज ऐसे ही कहते रहते हैं कि प्रलय आएगा, धरती का विनाश होगा, लेकिन आज तक ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, और पेट में हाथ घुमा घुमा कर पेट को दबा दबा कर भी कहते हैं आएगी आएगी, पर वो भी नहीं आती। ये जगह मेरे लिए फिट है। नहीं जाते पिकनिक पे, सबको जाने दो, मैं और तुम यहीं रुकते हैं। सच दोस्ती, अब तो मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं बाबूजी, मैंने सारे टायर चेक कर लिए, सब ठीक ठाक है भाई। हाँ तो चलिए, लेकिन तेज और बहू कहाँ है? मैं अभी जस्ट उन्हें बुला के लाता हूँ। हाँ ले आ जा, आई आई, आओ आओ बैठो, आइए। तेज क्या कर रहे हो? अरे कोई कैसे देख लेगा, इस कमरे में सिर्फ मैं और तुम्हें और कोई नहीं। कम ऑन, तुम इतना टाइम वेस्ट करोगी तो जरूर कोई आ जाएगा, जल्दी से। एक 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 क्विक वन प्लीज। तुम क्यों बच्चों की तरह जिद कर रहे हो? अरे कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बच्चा होता तो ही अच्छा होता। तुमसे एक किस लेने में मुझे इतनी दिक्कत नहीं उठानी पड़ती। बाई गॉड कितने भाव खाती हो तुम। अच्छा, और नहीं तो क्या? मैं भाव खाती हूँ, जाओ मुझे नहीं देना तुम्हें कोई किस। ऐसा है टोस्टी, किस तो तुम्हें आज मैं करके ही रहूंगा। ये तेज प्रकाश चतुर्वेदी का चैलेंज है, बच के दिखाओ। अच्छा, तो फिर ये तानिया तेज प्रकाश चतुर्वेदी का चैलेंज है। हिम्मत है ना तो हाथ भी लगा के दिखाओ, किस तो दूर की बात है। अच्छा, चैलेंज करती हो, हिम्मत की बात करती हो, अब तो किस देनी ही पड़ेगी। छोड़ो भैया, भाभी चलो ना सब लोग आपका। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा सच्ची। कुछ नहीं देखा के बच्चे तू नॉक करके नहीं आ सकता? ये आपका रूम नहीं, ये तो हॉल है। ठीक है ठीक है, क्या है, क्या काम था, चिल्ला चिल्ला क्यों आ रहा है? भैया बाहर सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। हाँ वैसे आप लोगों को नहीं आना तो वो बात अलग है, पर भाभी ये चीटिंग हो गया, दिस इज नॉट फेयर। ज्ञान ऐसा नहीं है, तुम एक मिनट, ये पिकनिक का प्रोग्राम इसलिए तो नहीं बनाया गया कि हम सबको पिकनिक पे भेज के आप खुद या वो पुरानी फिल्मों की तरह तोता मैना की कहानी है। रुक बेटा, तेरी कहानी तो मैं बिगाड़ता हूँ, और तुम भूलना मत वो चैलेंज है। या के बच्चे मैं तुझे बताता हूँ। इधर आ। आप देख रही हैं ना माँ, सब लोग कितने खुश हैं। आपको कभी नहीं देखा, कभी कभार आपकी कमी बहुत महसूस होती है। आज अगर आप हमारे साथ होती तो हमारी खुशी दुगनी हो जाती। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ कि मेरा परिवार यूं ही
हंसता खिलखिलाता रहे। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ। हम जा रहे हैं तुझे छोड़ के। आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। बाय बाय। हेलो। हाय। हाय बे भाई, क्या उठो, ये मेरी सीट है, उठो। क्यों, नाम लिखा है क्या तुम्हारा? क्यों, तुम्हारा नाम लिखा है क्या? पर मैं बैठी तो हूँ, तो अब ये सीट मेरी है। अच्छा, उस सीट पे मैंने रुमाल रखा था, उठो। really? मैंने तो नहीं देखा। तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं। एक मिनट, कहीं तुम इसे तो रुमाल नहीं कहते? प्लीज गेट अप। नहीं उठो, मुझे हवा चाहिए। क्यों, पतंग उड़ानी है? टैक टैक टैक, उठ उठ, अभी उठ। नहीं उठती, जो करना है करो। देखो, देख रही हूँ यार, उठना, मेरे को ग्रीनरी देखनी है। क्यों, आंखों का ऑपरेशन करवाया है? ए कुछ ही मत बोल ना। अरे तो कह रही तुम वहां बैठ जाओ ना। अरे तुम बीच, तुम आप बीच मत बोलो, तू उठ यहाँ से, तू उठ। अरे ये तुम लोग कैसे झगड़ रहे हो? ए हट, अरे कुछ भी मत बोल, अरे हट, क्या फायदा आपको बताने का? आप इसे कुछ कहेंगी थोड़ी, आपकी बहन जो है ये। प्राचीन, that's not fair. तुम मेरे देवर भी तो हो ना, और तुम क्यों भूल रहे हो कि मैं तान्या चतुर्वेदी हूँ, तान्या शर्मा ने। बोलो क्या हुआ? वो मेरी सीट है। कितना झूठ बोल रहा है दीदी, ये सीट मेरी है। ए तू झूठी, तू मक्कार है, मेरी सीट है कहते हो ना? अरे भाभी मेरी सीट है। डिंपल तू क्यों झगड़ रही है? बस में और भी तो सीट है, वहां जाके बैठ। हां चलो जा, चुप चुप चुप, एक मिनट एक मिनट, ये बेचारी क्यों बैठेगी? तुम्हें बैठी भी नहीं दिख रही ऑलरेडी यहां पे। लेकिन प्राची, अगर इतनी सारी सीट्स हैं तो ये नहीं बैठ सकता? क्यों, चिविलरी नाम की कोई चीज है या मर गई? भैया क्या, भैया यहाँ चुपचाप बैठ। भाई हाँ मैं जानता हूँ तू मेरा भाई है, मेरे भाई, चल बैठ। थैंक्स जीजू, थैंक यू जीजू। चल 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 चल, इधर आ। सॉरी प्राची। बैठ मम्मा। वाह कितनी भारी बस है, ये सब बैठेगी ना? आ जा अरे अंकल आइए आइए आइए, ये आंटी की बगल की सीट खाली है, बैठिए प्लीज, आइए कंफर्टेबली। हाँ था तू, चल भाई बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा भाई, बैठ जा। अरे तू बीच में खड़ा क्यों है? यानी गुरमुरे बेच रहा है क्या? बैठ जा कहीं पे। बोलो गणपति बाप्पा।
कीजिए। मैंने कहा ना मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आपको समझ में नहीं आता है अब क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे। थैंक यू, मुझे कोई लोन वोन नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। चक्कर क्या है? कोई तुमसे कुछ मांगता है तो तुम देती नहीं हो, और कोई जब तुम्हें कुछ देना चाहता है तो तुम लेती नहीं हो। मैं कुछ समझी नहीं थी। इधर आओ, पास आओ, समझाता हूँ। तीज क्या करो, छोड़ो यार, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या हुआ? हाँ तीज, क्या हुआ? नहीं वो कुछ नहीं, मैं चिप्स खाना चाह रहा था और टोस्टी मुझे खाने नहीं दे रही। क्यों भाई, तुम मुझे चिप्स क्यों नहीं खाने दे रही थी? अरे क्यों बेटा, दे दो ना उसे चिप्स। तेज बेटा मैं दूँ? नहीं नहीं मामा, मैं देती हूँ ना। सॉरी तेज, एक्चुअली मैं चाह कर भी वो मालती भाभी की माँ वाली बात अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही हूँ। पर आई प्रॉमिस अब मैं ये टॉपिक दोबारा नहीं उठाऊंगी। हम एंजॉय करने आए हैं, एंजॉय करेंगे। अच्छा है कि ये मुंबई के भीड़ भाड़ वाले इलाके को छोड़कर बाहर तो निकले। ये मुंबई शहर में आजकल सांस लेना नामुमकिन सा हो गया है। बिल्कुल सही कह रहे छेदीलाल चतुर्वेदी जी, आप कम से कम बाहर आकर एक खुली जगह देखने को तो मिल रही है। शर्मा जी, ये खुली जगह जो आप अभी देख रहे हैं ना, उसे गौर से देख लीजिए, क्योंकि जब हम फिर से आएंगे ना ऐसे ही पिकनिक मनाने, तब यहाँ सारी इमारतें दिखेगी आप। याद रखना मेरी बात, एक साल में भाव दुगने हो जाएंगे। सो तो है। बेटा मुझे भी चिप्स दे दो। चिप्स आपके लिए नहीं है, लीजिए फ्रूट खाइए, ये आपके लिए अच्छा है, चिप्स नहीं। भैया वो क्या है? चिप्स। प्राचीन का काल है। तेज हम लोग पीछे क्यों बैठे हैं? आगे से व्यू कितना अच्छा है। चलो ना। मेरी नजर से देखो, यहाँ व्यू सबसे ज्यादा अच्छा है। सबका मुंह तो मीठा करा दिया तुमने, मेरा क्या? ये लो, कर लो अपना मुंह मीठा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है हु? तुम एक छोटी सी किस के लिए अपने पति को कितना तरसाओगी? तुम क्या है, कुछ सुन लेगा ना? रोको रोको बस। क्या हुआ, आई क्या? अरे नहीं। अरे तो फिर हुआ क्या पिताजी? मुझे नहीं जाना इस बस में। हम लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं या फिर मातम मनाने? हम लोग कैसे चुपचाप बैठे हैं, जैसे पार सुन गया हो। बाबूजी मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ बिल्कुल सहमत। हाँ आप रुक नहीं सकते, मैं बात कर रही हूँ ना। क्या बोल रही हो? मत बोलो कि हम लोग लड़की वाले हैं। तो
तो क्या हुआ? अरे हम पिकनिक पे जा रहे हैं, थोड़ी मौज मस्ती नहीं होगी, थोड़ा धमाल नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा? हाँ क्यों बाबूजी? नहीं नहीं बिल्कुल सही है, या तो मौज मस्ती करो या तो फिर वापस चलो। नहीं 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 वापस नहीं जाए, चलो चलो। क्यों ना हम सब एक गेम खेले? गो गो दीदी धमशराज छिपन छिपाई छिपन छिपा श्याम सीढ़ी श्याम सीढ़ी ये रहा सॉफ्ट और वो रही सीढ़ी। ए नागिन तू, ए चुड़ैल तू, तू है तू सा हट चुप चुप। मैं बोल रही थी ऐसा गेम खेलते हैं ना जिसमें जिसमें सब शामिल हो सके, जो एक चलती बस में खेल सके। हां वही तो। किसी के पास कोई आईडिया है? छोड़ो मैं ही आईडिया देती हूं। क्यों ना हम सब अंताक्षरी खेलते हैं। हां वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। जो जो मेरे आइडिया से सहमत है वो हाथ उठाओ। बशु भैया आप? अब मैं अकेले कबड्डी तो नहीं खेलूंगा ना। ओके तो गेम शुरू करते हैं। टीम्स कौन कौन सी होंगी? गर्ल्स वर्सेस बॉयज। हाँ सही है। अरे लेकिन ये कैसे हो सकता है, लड़कियां सिर्फ पांच हैं और लड़के तो इतने सारे हैं, ये चीटिंग है। अरे बेटा हम एक एक दस दस के बराबर हैं। शुरू करो शुरू करो। बेटा ललित कुमार शर्मा जी, इतने वर्षों में तो आज तक कभी आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा, तो फिर आज ये गद्दारी क्यों? अच्छा बाबा सॉरी। अच्छा अच्छा ये प्रोग्राम कैंसिल, मैं ऐसा नहीं कर सकती, कुछ और सोचो। ठीक है आई नो। ऐसा करते हैं दो टीम्स बनाते हैं, एक बड़े लोगों की और एक छोटे लोगों की। Perfect. Is that okay with everyone? हाँ, yes, yes, yeah, correct. Okay, okay, ठीक है। तो गेम शुरू किया जाए। ज्ञान, शुरू कर। बैठे बैठे क्या करे करना? खड़े खड़े। नहीं विद्या बैठे बैठे। ज्ञान खड़े खड़े। अरे नहीं नहीं बैठे बैठे ही होता है। बैठे बैठे है, बैठे बैठे क्या? अरे खड़े होके बोल, मैं कह रहा हूँ। बैठ के बोलता हूँ ना। बैठे बैठे क्या करे करना है, कुछ काम शुरू करे, अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। हरि का नाम, हरि हरि। उनकी अंताक्षरी चलने दो या हम अपनी अंताक्षरी चालू रखते हैं। पंचर ओ, ओ। पंचर हो गया।